प्लांट की कटाई करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि चाहे प्लांट छोटा हो या बड़ा, उसकी शुरू से ही हमने कटाई के ऊपर ध्यान देना है। जिस टाइम से छोटा प्लांट हम लगाते हैं तो उसको टाइम टू टाइम उसमें जो भी वाटर शूट टहनियाँ निकलती है उसको हमने कटाई कर काटते रहना है, और जो बडिंग पोर्शन है जहाँ से बड किया हुआ प्लांट है उसके नीचे से अगर कोई टहनी अगर निकलती है तो वो हमारा देसी जट्टी कट्टी का प्लांट बन जाता है, तो उसको भी टाइम टू टाइम काटना है। कटाई करते समय सिर्फ हमने इतना ध्यान रखना है कि पौधे में कोई भी वाटर शूट टहनियाँ ना रहे, जहाँ से वो टहनियाँ चलती है उनको वहीं से काटें, उनमें कोई भी सूख ना रहे, और नीचे से एक फुट से ज़्यादा पौधे को काटना नहीं। कई बार किसान भाई नीचे से तीन तीन चार चार फुट काट देते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि हमेशा जो फ्रूट प्लांट के फ्रूट है वो नीचे आता है, बीच में कम आता है, ऊपर बहुत कम आता है। इसके साथ साथ जो वाटर शूट टहनियाँ कई बार किसान भाई बीच में से काट जाते हैं तो वो पहले से उनकी प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रॉपर जो टहनियाँ वाटर शूट प्लांट में से निकलती है उनको टाइम टू टाइम काटते रहें, और फलदार पौधों के अंदर हमेशा जो कटाई है वो फल टूटने के बाद करें, और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें भी नीचे से पौधे को एक फुट से ज़्यादा नहीं उठाना है, और जो टहनियाँ वाटर शूट है उनको जहाँ से निकले उनको प्रॉपर वहीं से काटें, बीच में से ना काटें, नीचे से पौधे को ऊपर ना उठाएं, और जो पौधे ज़्यादा गहरे घने हैं जिनमें हवा नहीं जाती धूप नहीं जाती तो उनमें भी पूर्व की ओर एक 1 फीट के आसपास चौड़ी और 5 से 6 फीट ऊपर की एक विंडो बनानी है, विंडो खिड़की बनानी है, ताकि उसमें आदमी जाके प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग कर सके, उसकी कटाई कर सके, फ्रूट हार्वेस्ट कर सके, स्प्रे प्रॉपर उसमें होगी अच्छे तरीके से होगी, और उसमें धूप अच्छी जाएगी, हवा अच्छी जाएगी, तो प्लांट हमारा हेल्दी रहेगा। तो इस तरीके से किसान भाई ये अपने पौधों की काट छाट कर सकते हैं।